क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। कुछ देर पहले कुछ बच्चे लोग, नौजवान लोग पूरा इकट्ठा होके रैली जैसा छोड़ा जुलूस निकला। इससे बात करके उसको अभी ये मिलाद नबी का जुलूस 1 तारीख को बदल दिया गया है, उस तारीख को करने के लिए उसको समझा के भेज दिया है। सो अभी इस कंटेक्स से सबका हमारा गुजारिश है, पेरेंट्स का और सब नौजवान को, आज और कल बाहर मत आ जाओ। आपका 1 तारीख का जो भी जुलूस निकालना है उस दिन निकलो, हम पूरा मदद करेंगे उसको। अभी रात में आके इधर उधर जाना, अभी पुलिस वाला पीछे पड़ेगा तो और स्पीड पे चले जाके कुछ ना कुछ इश्यू हो जाएगा, तो उसको एक्सीडेंट हो सकता है। सो इसके लिए एक ही गुजारिश है, तो आप घर पे रहिए, घर पे कल हमारा त्यौहार मिलाद नबी है, घर पे सेलिब्रेट कीजिए। और 1 तारीख को बाहर आके जो जुलूस निकालना है उस दिन जुलूस निकाल के और त्यौहार का और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए कोशिश कीजिए। अभी आज रात अभी बिना रीज़न से बाहर आके इधर उधर घूमेगा तो पुलिस वाला पीछे पेट्रोलिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और उसी टाइम में ओवरटेकिंग का टाइम में कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो पेरेंट्स थोड़ा ख्याल रखिए आपके बच्चे का, और आप भी बाहर मत आ जाइए 1-2 दिन, जो भी त्यौहार सेलिब्रेट करना है घर में बैठ जाए। थैंक यू। कुछ देर पहले कुछ बच्चे लोग, नौजवान लोग पूरा इकट्ठा होके रैली जैसा छोड़ा जुलूस निकला। इससे बात करके उसको अभी ये मिलाद नबी का जुलूस 1 तारीख को बदल दिया गया है, उस तारीख को करने के लिए उसको समझा के भेज दिया है। सो अभी इस कंटेक्स से सबका हमारा गुजारिश है, पेरेंट्स का और सब नौजवान को, आज और कल बाहर मत आ जाओ। आपका 1 तारीख का जो भी जुलूस निकालना है उस दिन निकलो, हम पूरा मदद करेंगे उसको। अभी रात में आके इधर उधर जाना, अभी पुलिस वाला पीछे पड़ेगा तो और स्पीड पे चले जाके कुछ ना कुछ इश्यू हो जाएगा, तो उसको एक्सीडेंट हो सकता है। सो इसके लिए एक ही गुजारिश है, तो आप घर पे रहिए, घर पे कल हमारा त्यौहार मिलाद नबी है, घर पे सेलिब्रेट कीजिए। और 1 तारीख को बाहर आके जो जुलूस निकालना है उस दिन जुलूस निकाल के और त्यौहार का और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए कोशिश कीजिए। अभी आज रात अभी बिना रीज़न से बाहर आके इधर उधर घूमेगा तो पुलिस वाला पीछे पेट्रोलिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और उसी टाइम में ओवरटेकिंग का टाइम में कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो पेरेंट्स थोड़ा ख्याल रखिए आपके बच्चे का, और आप भी बाहर मत आ जाइए 1-2 दिन, जो भी त्यौहार सेलिब्रेट करना है घर में बैठ जाए। थैंक यू।